डेट क्या, आज का दिन क्या? ओके वो मट्टी गिट्टी सब भी उठा को वो इसमें डाल दो अंदर का मट्टी पूरा। यजमान चलो बहुत लेट होगा, 4:45 को फ्लाइट है सो, और अब ये सब 3:03 होगी। टुडे इज 3rd March। लास्ट टाइम जो एक्वेरियम का मैंने क्लीनअप का बात किया था उसके बाद आई गॉट बिजी विद सम अदर वर्क। माया के पार्ट्स कल आए हुए हैं, आई थॉट ऑफ व्लॉगिंग इट। एक बार माया के पार्ट्स और वो एक्वेरियम का काम और बाकी पूरी चीज़ें एक लाइनअप करके रखा हुआ था। 2 वीक से व्लॉग नहीं किया, पर ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी यस्टरडे नाइट। आई गॉट अ कॉल एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लीव समवेयर, मीन लीव समवेयर क्या, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अहमदाबाद। एंड कल के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। अभी घाई घाई में निकले हुए हैं, 1 ही घंटा बचा हुआ है बोर्डिंग के लिए। पहला फ्लाइट जो है वो यहाँ से निकल के एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट जाके एक बार मैं सिक्योरिटी चेक ख़त्म करके बोर्ड कर दूँ, उसके बाद मिलता हूँ। ओके सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। ऐसे कैसे कैसे करके पहुंच गए जी हम, अभी बोर्डिंग चालू है आगे और अनदर फ्यू मिनट्स आई विल से फ्लाइट और ऑन टाइम पहुँच गए समीन पे। बस अभी फ्लाइट में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठ के देखते हैं कहानी कहाँ तक ले जा रही है। पहुंच गए हम अहमदाबाद एंड यहाँ पे हो रहा है अपना गुजराती वेलकम और यहाँ पे है हमारे और एक भाई। तो दीज टू गाइस कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? या दिस इज गुरु फ्रॉम थॉटलैंड मोटरसाइकिलिंग एंड हैव यू टोल्ड देम व्हाट वी आर हियर फॉर? नो, आई एम विश्वास, आई एम द को-फाउंडर ऑफ थॉटलैंड एंड। तो कुछ तो है जो आपको, एक बार होटल जाता हूँ आगे जाके गाड़ी भी उठाना है, कौन सी गाड़ी उठाना है क्या उठाना है ये आपको जाते जाते ही पता चलेगा, पर अभी हो रहा है मेरा। सो जुनैद भाई वाला वेलकम टू गुजरात। ओके क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं वेलकम? शॉल, शॉल। तो अपना कर्नाटका गुजरात और हर जगह ये वेलकम शॉल ही होता है, तो वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम टू गुजरात। मजा आ रहा है यार, सही में बोलता हूँ ये कितनी हड़बड़ी में हुआ था ये BMW। पहुंच गए हम हमारे रूम, BMW मोटरार्ट भी पहुंचे एयरपोर्ट से, मैं BMW मोटरार्ट पहुंचा था। पहुंचने के बाद वहां से गाड़ी टेस्ट किया, गाड़ी टेस्ट करके थोड़े बहुत करेक्शंस हैं जो सवेरे हो जाएंगे, और अभी बज गया है, व्हाट इज़ द टाइम, 1 बज गया क्योंकि BMW मोटरार्ट गए। जाने के बाद मैं गाड़ी देख के वो वाला, If you are a motorcyclist, you know once you see a motorcycle and you're excited about a ride and you are riding a new motorcycle. So I forgot to vlog. I straight away went to the motorcycle, rode that motorcycle, did some changes according to my setting. वो क्या क्या changes हैं वो आपको कल बता दूंगा। और अभी this point of time मैं vlog है ना, जो मेरा regular format होता है, that is me, my motor vlog and one perspective. It won't be like that. This time I have this person. His Diju Paul from Kerala. Which Munar. Place? Munar. So agar aapne Zuhaib Suzuka Royal Enfield GT Cup dekha hai, he is the guy who has shot. Ye bhai ka Instagram link vlog ke niche de deta hu. और सुपर एक्साइटेड, 1 बजे हो गया है, 3 बजे हमको यहाँ से निकलना है। वी विल गेट ओनली वन एंड हाफ आवर स्लीप और रूम की हालत देख लो।
पूरा तहस नहस। जितना भी मैंने शूट किया था वो मैंने एडिट कर दिया, अभी ये वाला पार्ट एडिट करके आई विल सी यू गाइस इन द मॉर्निंग। एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम दो कैमरामैन की वजह से, एंड ही इज अ वेरी गुड सिनेमाटोग्राफर, और इस बार आपको मैं कैसे चलाता हूँ आपको दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। तो सी यू गाइस इन द मॉर्निंग नहीं बोल सकता, ऑलरेडी मॉर्निंग हो चुका है, तो सी यू गाइस एट 3 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock और 3:30 व्हेनेवर वी स्टार्ट आवर जर्नी। अभी बज गया है 3:58 एंड एवरीबडी हैज स्टार्ट कमिंग, एंड ये रही मेरी इस वाली राइड की दुल्हन। कल चलाया हूँ पर अभी तक इसका नाम नहीं रखा हुआ है, पर जैसे जैसे राइड चालू होगा कोई ना कोई नाम तो इसके लिए आ ही जाएगा। एंड भाई साहब कल जब इसे चलाया मैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कीलेस इग्निशन, चाबी मैंने अपने राइडिंग जैकेट में रख लिया। मीटर कंसोल सेज एवरीथिंग। मैं कोई और मोड नहीं जानता, मैं एक ही मोड जानता हूँ, चाहे रोड में हो या ऑफ रोड में हो, दिस इज द वन मोड विच आई लव। आई पुट इट ऑन इंडोरो प्रो मोड। सेकेंड थिंग व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिड्यूस्ड द ट्रैक्शन कंट्रोल एंड आई हैव रिड्यूस्ड द सेंसेशन ऑन ABS। और अभी ये दोनों ब्लिंक कर रहे हैं, देन आई हैव टू गो टू सेटिंग। और इसका सस्पेंशन जो है, व्हेन यू गो टू सस्पेंशन इट इज इन ऑटो मोड, सो जब मैं स्लो करूंगा इसका सस्पेंशन जो है आराम से कुछ नहीं हो जाएगा, जब मैं राइड करूंगा इट बिकम्स हार्ड। सो दिस इज ऑन ऑटो मोड और ABS ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों ऑफ हैं। सो दिस इज वॉट आई हैव डन। अभी भी मेरे को हैंडल बार थोड़ा सा सीधा करना है एंड वी आर गुड टू गो। एज यू कैन सी एवरीबडी इज लाइनिंग अप, सो आज की जर्नी शुरू करते हैं। और दूसरा मेन चीज़ जो है डॉक्यूमेंटेशन, अभी सभी राइडर्स को मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट करते हैं, देन लेट्स हिट द रोड एंड सी यू ऑन मोटो ब्लॉग। थिंक गियर लीवर को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। टेक्नीशियन ये लेवल सीधा लेना है, दूसरा हैंडल बार थोड़ा ऊपर हाँ पीछे लगा दूँ। तो गियर लीवर को यहाँ पे रखना है क्योंकि बूट ऐसे जा रहा है, जब बैठते हैं ऐसे करके ऐसे उठाने में हो रहा है, इवन वाइल स्टैंडिंग शिफ्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। सो गेट स्ट्रेटनिंग द गियर लीवर, उसके बाद हैंडल बार, क्योंकि ये नीचे है रिस्ट पे वेट आ रहा है, जिसकी वजह से आई नीड टू जस्ट मूव इट अ बिट फॉरवर्ड एंड एडजस्ट द मिरर्स अकॉर्डिंग टू इट। बस ये दो चीज़ें हैं, बाकी का शी इज़ ऑल गुड। हैंडल बार का टाइटनिंग के बाद हाँ अभी देखो पूरा ये ऐसे लॉक हो रहा है और पूरा ये इधर भी जा रहा है, तो टेंशन नहीं है। अभी गियर लीवर का देख के आते हैं। परफेक्ट, वाह
और यहाँ पे टर्न लेने पे मेरे को इजी हो रहा है और ऑफ रोड में भी इट्स मच मोर इजियर। हाँ ब्रेकिंग भी सही है। नाउ इट्स परफेक्ट। यस दिस वे वी आर गोइंग। वी आर गोइंग टू जैसलमेर। बोलना ही भूल गया था मैं। सो वी आर गोइंग टू जैसलमेर विद BMW अहमदाबाद एंड अभी का राइड ऐसा है कि ये सब कुछ फटाफट हुआ था। एक मिनट, जो बंदा मेरे को फटाफट बुलाया ना उस बंदे को खींच के लेके आता हूँ और आपको पता चलेगा कि कितनी घाई घाई में कितनी अर्जेंट में हम लोग इधर भाग के आए। भाई हो गया? हाँ सर चेक कर लीजिए। तो पूरा जी अपना इंडेमनिटी बॉन्ड एंड पर्सनल डिटेल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीबडी हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ राइड, ये जो चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इस ब्लॉग में नहीं बोलूँगा बिकॉज इस ब्लॉग में ऑलरेडी बैंगलोर से इधर आना और ये सब कुछ चल रहा है। तो ये वाला ब्लॉग ये फॉर्म भर के यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग पे जब यहाँ से हम राइड चालू करेंगे और जैसे हम मिलकर निकलेंगे। और ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉग विल बी इन अ डिफरेंट वे जो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।